Subscribe to Computer Tech Mate's channel and press the bell icon for more computer-related tech videos. आज की टेक डोस्ट में हिस्ट्री बनी हुई कंपनी नोकिया का भी अपडेट है। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गया इस हफ्ते की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग टेक न्यूज के साथ आपको डोज देने के लिए। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक मिनट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप पहले से साउंड बेटर आ रहा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप रैम के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। दो दिन पहले मैंने अपडेट किए, फुली डिटेल में बताया है। और जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपडेट्स काफ़ी सारे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो पहला अपडेट है विंडोज 10 की तरफ से। विंडोज 10 के बिल 20190 अपडेट्स में एक न्यू फीचर्स ऐड किया गया। अब जो भी विंडोज़ का अपडेट्स होगा, जो भी विंडोज़ के अपडेट्स आएंगे, उसके अपडेट होने के बाद एक पॉपअप आएगा स्क्रीन, जिसमें सारे अपडेट्स के बारे में बताया जाएगा कि इस न्यू अपडेट्स में क्या क्या अपडेट्स आपको डिलीवर किया गया, क्या क्या न्यू फिक्सेस किया गया। और जिससे क्या हुआ, कन्फ्यूजन दूर हुआ, क्योंकि आपने देखा कि विंडोज 10 के मई के अपडेट में कई सारे मेजर अपडेट्स आया, लेकिन कुछ लोगों को पता चला, कुछ लोगों को पता नहीं चला। और विंडोज 10 के मई के अपडेट्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप इस आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं अगर आपको जानना हो तो। तो इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि क्या क्या अपडेट्स दिया गया। और फिलहाल यह अपडेट अभी देव चैनल पर रोल आउट किया गया, तो जल्दी इसे विंडोज 10 पर लाया जाएगा। अगला बटे मार्वल एवेंचर्स, नाम तो सुने होंगे। तो मार्वल एवेंचर्स और इंटेल मिलकर एक पीसी गेम को लॉन्च किया है, मार्वल एवेंचर्स गेम, और यह बीटा वर्जन के लिए अभी अवेलेबल है। और इसमें मार्वल एवेंचर्स की सारी चीज़ें, आप सारे सुपर हीरो, सारे थीम्स वगैरह देखने को मिलेगा। इस तरह गेम्स पहले एंड्रॉयड पर अवेलेबल था, लेकिन अब मार्वल एवेंचर्स के गेम आपको पीसी पर भी देखने को मिलेगा। तो इस मार्वल एवेंचर्स के फैन के लिए यह गुड न्यूज़ की तरह है, जो मार्वल एवेंचर्स के गेम्स पीसी पर खेलना चाहते हैं। अगला अपडेट है माइक्रोसॉफ्ट अपने पॉपुलर ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और माइक्रोसॉफ्ट एज, यानी कि जो HTML बेस्ड एज ब्राउजर है, उसे बंद करने का डिसीजन लिया है। कंपनी बहुत ही जल्द इन दोनों ब्राउजर के सपोर्ट को, टेक्निकल सपोर्ट को, इसके अपडेट्स को बंद करने वाली है। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि आपको 2021 से इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और माइक्रोसॉफ्ट एज का जो HTML वाली एज ब्राउजर है, उसका कोई भी अपडेट्स नहीं मिलेगा। और इसे बंद करने का प्रोसेस इस साल 30 सितंबर के बाद से ही शुरू होने वाला है। और जो भी माइक्रोसॉफ्ट के 365 ऐप जो इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्ट होता था, वह भी सपोर्ट होना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बंद होने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं। आप गूगल क्रोम यूज करते हैं तो अच्छी बात है, या तो फिर आप मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट का ही न्यू ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज ट्राई कर सकते हैं। क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर है, मैंने भी इसके बारे में बताया, आप इस आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। अगला बैठे मीडियाटेक ने 800 सीरीज के न्यू चिप डायमेंसिटी 800U को लॉन्च कर दी है। और यह चिप 800 सीरीज के बाकी चिप के मुकाबले काफ़ी अफोर्डेबल रहने वाला है। इस चिप की सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको 5G इंटीग्रेट किया हुआ मिलेगा। इस यह चिप डुअल 5G को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें आपको 2.4GHz के क्लॉक स्पीड, 120Hz की रिफ्रेश रेट, और यह चिप 4K 30fps का वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रेंडरिंग को भी सपोर्ट करने वाला है। तो देखते हैं इस चिप के साथ कब मार्केट में न्यू लैपटॉप या न्यू सिस्टम लॉन्च होता है। अगर बेटे डेल ने इंडिया में न्यू लैपटॉप डेल XPS 17 को लॉन्च कर दिया, और यह लैपटॉप काफ़ी थीन, लाइट वेट और प्रीमियम लुकिंग लैपटॉप है। इस लैपटॉप में आपको प्री इंस्टॉल विंडोज 10 होम के साथ आता है, और इस लैपटॉप में 17 इंच का फुल HD प्लस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, उसके अलावा 3 कोर i7 प्रोसेसर, 32GB DDR4 रैम, NVIDIA GeForce GTX 6050 Ti ग्राफिक्स, और 1TB SSD के साथ आता है। कनेक्टिविटी लिस्ट में आपको Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.1, उसके अलावा थंडरबोल्ट पोर्ट्स भी देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ तो इस लैपटॉप का प्राइस स्टार्टिंग होता है बेस प्राइस 2,09,500, जो कि आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन में देखने को मिलेगा। अगला बेटे फ्रेंड्स, NVIDIA का GeForce Now, जो कि एक क्लाउड गेमिंग सर्विस है। तो पहले तो यह विंडोज़, मैक और एंड्रॉयड पर अवेलेबल था, लेकिन अब यह क्रोमबुक पर भी अवेलेबल। अब जिनके पास विंडोज़ का लैपटॉप नहीं है, अगर क्रोमबुक है, तो वो भी अब इस GeForce Now क्लाउड गेमिंग सर्विस का मज़ा ले सकते हैं। वो भी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी क्रोमबुक यूज करते हैं, तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू जा सकते हैं, इस क्लाउड गेमिंग सर्विस को देख सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाएगी, आपके क्रोमबुक में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, जिससे आप क्लाउड गेमिंग सर्विस कर सकते हैं। अगला बेटे माइक्रोसॉफ्ट एक न्यू पेटेंट तैयार करिए, जिससे विदाउट नन टच वाले लैपटॉप पर भी टच इनेबल किया जा सके। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल जो भी 2-in-1 कनेक्टिविटी लैपटॉप या डिस्प्ले या स्मार्टफोन या जो भी सिस्टम ले लीजिए, उस पर आपको टच देखने को मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है पुराने मशीन्स की, पुराने सिस्टम्स की या लैपटॉप की, जो नन टच वाले होते हैं, उसमें भी अगर टच ला दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट इसी को लेकर एक न्यू पेटेंट तैयार कर रही है, जिससे उन लैपटॉप पर भी टच लाया जा सके जो विदाउट नन टच होते हैं।
और कंपनी कहना है कि यह एक ट्रैकपैड की तरह होगा, एक माउस के ट्रैकपैड की तरह होगा। जिस तरह आप माउस के ट्रैकपैड पर गेस्चर के थ्रू इधर उधर कर्सर को कर पाते हैं, उसी तरह आप डिस्प्ले पर भी एक ट्रैकपैड के थ्रू अपने डिस्प्ले को टच इनेबल किया जा सकता है। अगला बेटे फ्रेंड्स, विंडोज 7 के विंडोज अपडेट के बेस्ट फीचर जो है उसे अब विंडोज 10 में लाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप विंडोज 7 का यूज करते थे तो आपने देखा होगा कि विंडोज के अपडेट्स में जो विंडोज के ऑप्शनल अपडेट हैं उसमें आपको कई सारे लैंग्वेज, सर्विस पैक्स, उसके बाद ड्राइवर्स के अपडेट्स देखने को मिलता है। तो उस अब सेटिंग्स को, उस अपडेट को अब विंडोज 10 में ऐड कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि आपको बस विंडोज अपडेट करना है और आपका ड्राइवर्स भी अपडेट हो जाएगा। आपको अपने ड्राइवर्स के लिए डिवाइस मैनेजर पर जाना नहीं पड़ेगा, ना ही कोई दूसरी साइट्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने ड्राइवर्स को अपडेट करने के लिए। यह काफ़ी आसान होने वाला है, आपको ड्राइवर्स के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, आपको बस विंडोज़ अपडेट करना है और आपका ड्राइवर भी अपडेट हो जाएगा। तो फिलहाल यह फीचर अभी विंडोज़ के बिल्ड 19041 वाले वर्जन पर है। अगर ये वर्जन किसी के पास है तो आप विंडोज़ अपडेट पर जाकर सेटिंग्स चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा। अगला बेटे, हिस्ट्री बनी हुई कंपनी नोकिया ने भी नोकिया मीडिया स्ट्रीमर को लॉन्च किया, वो भी डेडिकेटेड बटन के साथ। फ्रेंड्स, ये भी एमआई टीवी बॉक्स, एयरटेल फायर टीवी स्टिक्स, अमेजन फायर टीवी स्टिक्स की तरह ही है नोकिया मीडिया स्ट्रीमर, जो कि डेडिकेटेड रिमोट के साथ आता है। इस स्ट्रीमर में आपको फुल HD रिजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा इसमें 1GB रैम, ऑनबोर्ड 8GB स्टोरेज, एंड्रॉयड 9 पाई पर चलता है और आपको डुअल बैंड वाईफाई भी देखने को मिलेगा। और इस नोकिया मीडिया स्ट्रीमर में आपको डेडिकेटेड रिमोट देखने को मिलेगा, आपको अलग से रिमोट परचेज नहीं करने पड़ेगा। और इसके रिमोट में तो जो भी कंट्रोल्स और वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह बटन तो देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ में गूगल असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन, नेटफ्लिक्स का डेडिकेटेड बटन और G5 का डेडिकेटेड बटन दिया गया है। हालांकि G5 के जगह पे अमेज़न प्राइम का डेडिकेटेड बटन दे सकता था, तो जो है देखते हैं। तो फिलहाल तो यह अभी आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 28 अगस्त के बाद से आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा। और लास्ट अपडेट है लेनोवो की तरफ से। लेनोवो ने अपने न्यू लीजन गेमिंग सीरीज के 3 नए लैपटॉप, लेनोवो 7i, लेनोवो 5P और लेनोवो 5i को लॉन्च कर दिया। और ये तीनों लैपटॉप हाई परफॉर्मेंस गेमिंग वाले लैपटॉप है, जो कि इंडियन गेमिंग मार्केट को देखते हुए लॉन्च किया गया है। इन तीनों लैपटॉप में आपको 10th Intel कोर प्रोसेसर और NVIDIA RTX का GPU देखने को मिल जाता है। लेनोवो 7i के स्पेक्स की बात करूँ तो लेनोवो 7i इन तीनों लैपटॉप में सबसे महंगा लैपटॉप है। इस लैपटॉप में आपको 10th Intel कोर i9S सीरीज के प्रोसेसर, NVIDIA RTX 2080 सुपर GPU और 144Hz की डिस्प्ले देखने को मिलता है। इस लैपटॉप में 80W की बैटरी दी हुई है और एक बार चार्ज करने पर 8 घंटे तक का बैकअप देगा। और प्राइस की बात करो तो इस लैपटॉप का प्राइस स्टार्टिंग होता है 1,09,990, जो कि आपको इस मंथ के लास्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद लेनोवो लीजन 5i और 5Pi के स्पेक्स की बात करो तो लेनोवो लीजन 5i और 5Pi लगभग सेम स्पेक्स देखने को मिलता है। दोनों लैपटॉप में आपको 10th Intel कोर i7 प्रोसेसर के साथ आता है। उसके बाद लेनोवो 5i में आपको 6050 Ti ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, जबकि लेनोवो 5Pi में आपको 2060 RTX ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। लेनोवो 5i में आपको 120 रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जबकि लेनोवो 5Pi में आपको 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो बस फ्रेंड्स, ये था इस हफ्ते का टेकर बिट्स। आप कंप्लीट वीडियोस के लिए मेरे चैनल के लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू मेरे चैनल। और इस वीडियो से कोई भी सवाल मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।